क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा पहाड़ है जहां से हनुमान जी ने सूर्य को निगलने के लिए छलांग लगाई थी? सीताराम दोस्तों, मैं अनुपम खेर आपके लिए लाया हूं 21 हनुमान मंदिरों की एक अद्भुत श्रृंखला, जिन मंदिरों के दर्शन मात्र से आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हम्पी के निकट अंजनेयाद्री पर्वत के बारे में, जो हनुमान जी का जन्म स्थान है। रामायण काल के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक वानरों का साम्राज्य किष्किंधा है, जो वर्तमान में कर्नाटक की पवित्र नदी तुंगभद्रा के किनारे पर हम्पी में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की माता देवी अंजनी ने 7000 वर्षों तक अंजनेयाद्री पर्वत पर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था और अपने रुद्र अवतार में उनके पुत्र हनुमान के रूप में जन्म लिया। यहां हनुमान जी की हजारों वर्ष पुरानी स्वयंभू मूर्ति माता अंजनी की मूर्ति के साथ विराजमान है, जिनके दर्शनों के लिए पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु 575 सीढ़ियां चढ़कर आते हैं। जब रामायण काल में भगवान विष्णु ने रावण का वध करने के लिए श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लिया था, तो समस्त देवी देवताओं ने वानरों और भालुओं के रूप धारण करके अंजनेयाद्री पर्वत पर हनुमान जी के साथ रहने लगे, ताकि वे सब श्री राम की सहायता के लिए लंका जा सके। श्री राम रावण को हराने के बाद लंका से लौटकर अंजनेयाद्री में माता अंजनी जी से मिलने गए थे। माता अंजनी ने श्री राम से पूछा, प्रभु, हनुमान इतने शक्तिशाली हैं कि वो अकेले ही रावण का सर्वनाश कर सकते थे, तो उसका वध करने के लिए आपने वहां जाने का कष्ट क्यों किया? अपने पुत्र हनुमान की शक्ति का प्रमाण देने के लिए माता अंजनी ने अपने दूध की शक्ति दिखाई। माता अंजनी के दूध की धार से अंजनेयाद्री के चारों तरफ से जितने पत्थर थे वो टूट गए। ऐसा माना जाता है कि हम्पी में चारों तरफ दिखाई देने वाले पत्थर माता अंजनी के उसी शक्ति का प्रमाण है। हनुमान जी महाराज ने भगवान सूर्य के पास जाकर के समस्त विद्याओं को प्राप्त किया था। विद्या प्राप्त करने की श्री हनुमान जी महाराज की जो लालसा थी वह इतनी विलक्षण थी कि सूर्य भगवान चलते रहते थे अपने रथ पर तीव्र गति से, और उनके रथ के आगे उल्टे पांव दौड़ते हुए और उसी गति से दौड़ते हुए उन्होंने सूर्य भगवान से समस्त विद्याओं को प्राप्त किया है। इसलिए हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम हैं और बुद्धिमताम वरिष्ठम है, और इतना सब कुछ होते हुए भी श्री हनुमान जी महाराज के अंदर जो विनम्रता है, जो दास भाव है, वह प्राणियों के लिए अनुकरणीय है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज समस्त प्राणियों पर कृपा करें, सभी का मंगल करें। हनुमान जी का एक नाम अंजनी पुत्र भी है, और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतिलुत बलनामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अंजनेयाद्री पर्वत ही वो स्थान है जहां से हनुमान जी ने सूर्य को निगलने के लिए छलांग लगाई थी। सीता राम चंद्र भगवान की जय।